अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KN24 HD News। जैसे कि हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि अलमुस्तफ़ा सेंटर के करीब जो है ना एक दस्तरखान लगाया जा रहा है, जो 16 साल से यहाँ लगाया जा रहा है, जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं और ये सवाब का काम है। इस खबर की कवरेज करने के लिए आज हमारी टीम KN24 की टीम सच की आवाज़ पहुँचाने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ किस तरह लोगों को यहाँ खिदमत की जा रही है। जो यहाँ की जो मुनज़्मीन है, जो इंतजामिया है, वो खुद लोगों को अफ्तार करा रही है और ख़ुद अपने हाथ से अफ्तार बांट रही है। जी, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ मैं मोहम्मद असद, KN24 HD News कराची। आपकी बात करवाते हैं याकूब खुदा साहब से, जो है कि मैनेजमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर, ये बताइएगा जो आप ये दस्तरखान लगा रहे हैं, अफ्तारी का तमाम करवा रहे हैं, ये तो सवाब काम भी है, ये कितने अरसे से कर रहे हैं और आपकी रेगुलर बेसिस पे हो रहा है? ये तकरीबन हमें 17 साल हो गए इसको करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी टीम पूरी साथ देती है। हमारे दोस्त यार, हमारे और भाई हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं और ये नहीं कि हम सब टीम हमारी पूरी यहाँ पे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल से हम कर रहे हैं। ये ये खाली अब अफ्तारी का तमाम कर रहे हैं या सहरी भी करवा रहे हैं? नहीं, सिर्फ अफ्तारी करवा रहे, सहरी वगैरह नहीं करवा रहे अभी तक हम। माशाल्लाह ये सिर्फ यही रोज़ा खोलने का प्रोग्राम चलता रहता है। क्या है आप, क्या किस्म? हम हैज़ा वर्कर ही इधर और हम सब मिलके काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, सब मिलके जो है एक सिस्टम को चला रहे हैं, सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, हमें सपोर्ट भी करते हैं माशाल्लाह, जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो भी कर देते हैं अरेंजमेंट। इसमें हमारे एक दो भाई और भी है जो हमारे साथ ताउन करते हैं, जो चीज़ की ज़रूरत होती है बोलते भाई बता दिया करो, और ऐसे लोग चलते हुए भी हमारी हेल्प करके जाते हैं, भाई ये हमारी तरफ से एक हेल्प की एक सिस्टम है, एक सिस्टम है अल्लाह पाक चला रहा है और इसी के मामला चल रहे हैं और इसमें हमारा कोई। अच्छा, ये जो है जो आप लोग अपने पास से कर रहे हैं या कोई चंदा वगैरह का सिस्टम भी है? नहीं, चंदा वंदा कोई नहीं, ये हम अपने पास से करते, हमारे कुछ आपस में दोस्त यार है, हम मिल बांट के हम करते हैं। इसमें किसी से डोमिसाइल चंदा वगैरह हम कहीं नहीं लेते और ना हम किसी को बोलते कि भाई हमें दो, अगर जिनकी खुशी है वो दे देते, नहीं दे तो हम कुछ नहीं बोलते, हम मिल बांट के हम यार दोस्त आपस में कर लेते। अच्छा, ये जो खिदमत का जज्बा है ये तो हर किसी को अल्लाह पाक की तौफीक नहीं देता, तो आप में ये खिदमत कहाँ से आया? ये बस एक लगाव हो जाता है कि यार मैं भी एक रोज़ा खुलवाऊँ। अब जब हमारी कैफियत होती है रोज़ा खुलवाने के टाइम पर तो ये हालत होती है कि हम लोगों का रोज़ा खुलवाएं, हम अपना रोज़ा भूल जाते, तो हमें दोस्त यार बोलते यार रोज़ा खोल लो, खजूर तो खा लो। तो एक कुदरत, ये आपको पता है एक जज्बा होता है इंसान का, क्या रोज़े खुलवाने बस। तो शरीयत में भी है ना किसी एक रोज़ा खुलवाना बहुत बड़ा सवाब काम है। माशाल्लाह आप तो यहाँ पे इतने सारे लोगों का तमाम कर रहे हैं और कितने अरसे से 16 साल 17 साल से आप ये करते हुए आ रहे हैं? जी हम नहीं करवा रहे, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे रहा है तो हम कर रहे हैं। और माशाल्लाह मैं हर साल उम्रे पर भी जाता हूँ, जैसे मैं परसों भी उम्रे पर जा रहा हूँ, तो मैं आज इंतज़ाम सब करवा के सिस्टम करवा के फिर मैं उम्रे पर निकल जाता हूँ और ये अल्लाह ताला करवाता है, हमारी कोई ताकत नहीं है। अच्छा, आपके अपने टीम मेंबर्स के नाम बता दें जो सर उसको वो कर रहे हैं? भाई सबसे बड़ा हमारा मेंबर है हमारे इमरान मामदानी है, अकरम भाई है हमारे, अहमद भाई है और हमारे और दिग्गज दोस्त भी है, फैसल भी है और भी है, आसिफ भाई हमारे काफ़ी दोस्त है यार है ऐसे जो बेचारे हेल्पर मदद भी करते, यानी कि अगर हिस्सा भी नहीं थे तो फिर भी बेचारे आ जाते काम, हमसे अपना ऑफिस से छुट्टी करके यहाँ आते हमारे साथ देते बेचारे। बहुत शुक्रिया।